संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आज हम काले चने की रेसिपी आपके सामने लेकर के आए हैं। चलिए सामग्री देख लेते हैं क्या क्या लगती है। धनिया पाउडर, मिर्ची और गरम मसाला, अमचूर पाउडर, नमक, नींबू और हरी मिर्च, जीरा और उबले हुए चने। बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने गैस की कढ़ाई रख दी है, तेल डाल दिया है। ये हमारा तेल गरम हो गया, इसमें जीरा डालेंगे, आधा चम्मच जीरा लिया है। ये हम अपने इसमें चने डालेंगे। इसको हमने 4 घंटे पहले धो दिया था, इसके बाद 2 सीटी लगा करके उबाल लिया है। इसे इस तरीके से बराबर चलाएंगे, थोड़ा इसको लाल होने देंगे। हमारे चने का कलर चेंज हो गया है। इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, जो हमने 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है। ऐसे भी बराबर से मिक्स कर देंगे इस तरीके से। इसी तेल में ये भी पक जाएगा। ये मिर्ची डालेंगे, लाल मिर्ची थोड़ी सी ली है, आधी चम्मच से भी कम है। इसे भी बराबर से मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को हमने धीरे ही रखा है। अमचूर पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच अमचूर पाउडर लिया है। आप चाहे तो इसमें नींबू भी डाल सकते हैं, नींबू का रस भी आप डाल सकते हैं। हमें इसमें नमक डालेंगे, नमक आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। हमने आधा चम्मच नमक लिया है, आप नमक स्वाद अनुसार। इसे भी बराबर से मिक्स कर देंगे। और इसमें डालेंगे गरम मसाला, हमने आधा चम्मच गरम मसाला लिया है। ये माता के भोग के लिए है, इसलिए हम इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये हमारे चने बनकर के तैयार है, अब हम इसे सर्व करेंगे। ये हमारे काले चने सर्व हो चुके हैं, आप इसे खाइए और इंजॉय करिए।